हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे जहाँ कहीं होंगे। तो आज हमारा मास्टर क्लास स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था, आज हमारा फर्स्ट डे है मास्टर क्लास का। तो अभी मैंने मास्टर क्लास में आप लोग लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे कि मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें मैं ब्यूटिशियन का कोर्स 30 डेज का सिखाने वाली हूँ। ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स रहेगा अपना, 30 डेज का मास्टर क्लास रहेगा। ये बिल्कुल ही फ्री है। हाँ जी, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप लोग आराम से घर बैठे सीख सकते हैं। और इसमें छोटी सी छोटी मैं चीजें एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप लोग मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं, या तो आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं गूगल मैट का भी यूज कर सकते हैं। उसमें भी हम लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। या तो आप लोग कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, उसमें देन मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया करूंगी। वैसे तो डाउट रखेंगे नहीं, बिकॉज मैं छोटी से छोटी चीजें इसमें से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप पार्लर में कहीं जाते हो, पार्लर में जाने के बाद वहां पे कैसे डिटेल नॉलेज दी जाती है, तो डिटेल नॉलेज देने के बाद तो लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन इतना अच्छा से नहीं हो पाता जितना हम सलून में जाके सीख सकते। नहीं, अगर आप लोग के दिमाग में ऐसा है, माइंड में ऐसा सेट है, तो बिल्कुल निकाल दीजिए। तो ये क्लास तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं आप लोग को जरा भी डाउट होने नहीं दूंगी, बिकॉज इसमें छोटी से छोटी एक्सप्लेन करूंगी कौन से फेस पे कैसा शेप देना है, कैसे क्या करना है, एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड, मतलब कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, एनीथिंग डाउट नहीं रहेगा। इसमें मैं आपको नोट्स भी बना के दूंगी। यस, नोट्स कंपलसरी है, आप लोग को भी नोट डाउन करना है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करूंगी और मैं लिखा के भी दूंगी, बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। आप को एक नोट्स तैयार करना है, या जैसे कि आप सैलून में जाते हो तो आपको नोट्स देते हैं लिखने के लिए, सेम थिंग यहाँ पे भी वैसे ही करना है। आपको एक नोट्स बना लेना है, ताकि आप लोग को कुछ अगर भूल भी गए या बाय मिस्टेक नहीं भी याद है। वैसे तो मेरा वीडियो तो रहेगा ही, आप चेक कर सकते हैं वहां पे जाके, देन आपके पास नोट्स रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड है। तो इसके लिए दोस्तों नोट्स बनाना कंपलसरी है, नोट्स आप लोग तैयार कीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग कैसे करना है, कौन से फेस पे करना है, उसमें इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, एक्स वाई जेड, उसमें सब एक्सप्लेन करूंगी मैं, सब एक छोटी छोटी नॉलेज दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी जो लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहूंगी, तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। उसके लिए हम बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है थ्रेडिंग। तो अभी देखो मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ थ्रेडिंग का। अभी राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर भी एडजस्ट कीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रेडिंग का। थ्रेडिंग क्या है, तो बात है कि थ्रेडिंग क्या है, थ्रेडिंग क्यों करते हैं और थ्रेडिंग कहाँ कहाँ करते हैं, ये सब जानना भी जरूरी है। तो थ्रेडिंग का फर्स्ट टॉपिक क्या है, थ्रेडिंग मीन्स क्या है ना, ये वर्ड तो पता होगा, थ्रेडिंग मतलब क्या, ये जानना जरूरी है। तो थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवल टेक्निक है। क्या है थ्रेडिंग, एक निकालना, कोई भी पर्टिकुलर हेयर है, जैसे कि अपने हैंड पे है, फेस पे रहता है, बॉडी पे, पूरे बॉडी पे हेयर रहता है, तो उसको निकालने का काम क्या करता है, थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का एक काम ही होता है हेयर को रिमूव करना। ठीक है, थ्रेडिंग का मतलब है, थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवल टेक्निक है, मतलब एक जगह से बाल को निकालना। सेकेंड नंबर, थ्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजें, इस्तेमाल होने वाले सामान, थ्रेडिंग
चीजें लगती है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर है 40 नंबर थ्रेड, सेकेंड नंबर है टेलकॉम पाउडर, थर्ड नंबर है सीजर, फोर्थ नंबर है कॉटन, फिफ्थ नंबर है एस्टिंजन। देखो 40 नंबर थ्रेड कब लगता है, जो थ्रेड धागा होता है उसको बोलते हैं 40 नंबर थ्रेड। ये देखिए, ये 40 नंबर का थ्रेड बोला जाता है, इसे इससे हम थ्रेडिंग बनाते हैं। और थर्ड सेकेंड नंबर है टेलकॉम पाउडर। टेलकॉम पाउडर कब यूज होता है, पाउडर आईब्रोस करने से पहले पाउडर लगाते हैं ताकि स्किन ड्राई हो जाए और हेयर निकालने में इजी पड़े। थर्ड नंबर है सीजर। सीजर क्या काम करता है, जो एक्स्ट्रा हेयर बड़े हैं जैसे कि आईब्रोज है, आईब्रोज के जो ऊपर के एक्स्ट्रा हेयर होते हैं जो लॉन्ग हो जाते हैं उसे कट करने का सीजर काम करता है। कॉटन किस लिए यूज होता है, पाउडर जब टेलकॉम पाउडर यूज करते हैं तो कॉटन से आपको एप्लीकेशन करना होता है। फिफ्थ नंबर है एस्टिंजन। जब आईब्रोज होने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, एस्टिंजन लगाना है एज ए प्रोटेक्शन के लिए। एस्टिंजन नहीं तो आप क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो। एस्टिंजन किसको, जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको एस्टिंजन लगाइए, अदरवाइज आप जेल भी यूज कर सकते हो या क्रीम भी यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट हो गया थ्रेडिंग में यूज होने वाली चीजें। थ्रेडिंग में थ्रेडिंग का मतलब क्या है समझ गया आप सबको, थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवल टेक्निक है और उसमें यूज होने वाले सामान मतलब कौन कौन से चीजें से आप थ्रेडिंग बना सकते हैं, थ्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान। फर्स्ट नंबर थ्रेड 40 नंबर का, उसके बाद टेलकॉम पाउडर, सीजर, कॉटन एंड एस्टिंजन, ये सब आपको कंपलसरी है। इतने सारी चीजें लगती हैं आपको थ्रेडिंग बनाने में। ओके, समझ गए यहाँ तक आप सबको। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ाए, लिख लिया है आप लोगों ने तो ये नोट डाउन करके रखेंगे तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। अभी मैं बताऊंगी आप सबको कि थ्रेडिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, लाइक फेस पे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बॉडी के कौन से पार्ट पे आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो वैक्सिंग वगैरह भी है तो वैक्स वगैरह का जब टॉपिक आएगा तो मैं वो बताऊंगी कि वैक्स से कहाँ कहाँ के हेयर रिमूव कर सकते हैं। तो अभी अपना टॉपिक है थ्रेडिंग का, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेडिंग आप कौन कौन से पार्ट पे कर सकते हैं। बॉडी पर कहाँ कहाँ की जा सकती है, इसका मतलब क्या है, थ्रेडिंग हम बॉडी पे कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट पे आप थ्रेडिंग से हेयर रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आईब्रोज। आईब्रोज आप थ्रेडिंग से कर सकते हैं। सेकेंड है फॉरहेड, सेकेंड है फॉरहेड, थर्ड है चीन, फोर्थ है चीक, फिफ्थ है राइटिंग बहुत ही गंदी है आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। थर्ड है अपर लिप्स, फिफ्थ है अपर लिप्स, मतलब आप थ्रेडिंग से काम कर, जैसे ये थ्रेड है अब ये थ्रेडिंग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आईब्रोज तो हम थ्रेडिंग से ही बनाते हैं, प्लस फॉरहेड, चीन, चीक्स और अपर लिप्स, ये पांचों जगह पे आप
हेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? तो अब थ्रेडिंग कैसे करना है, थ्रेडिंग धागा कैसे चलाल होने वाली चीज है, ये सब तो आप लोगों को समझ गया। तो अभी आप देख सकते हैं फेस की कितने टाइप से मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, ओवल, लॉन्ग, राउंड, स्क्वायर, हार्ट और डायमंड, ये अपने फेस के टाइप्स हो गए। तो आपको फेस के अकॉर्डिंग ही आईब्रोज करना है। तो देखिए आईब्रोज के कितने शेप होते हैं, आईब्रोज शेपर्स, तो पहले तो आपको आर्च मिलेगा, राउंड या शेप, स्ट्रेट और स्टीप आर्च और अपवर्ड, इतने आईब्रोज के शेप है। ठीक है, ये सब आईब्रोज के शेप है। कितने टाइप से, 1 2 3 4 5 6, जैसे आपने देखा फेस को 6 टाइप से राइट, वैसे ही आपको आईब्रोज भी देना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो क्या ध्यान में रखना है, क्लाइंट का फेस कैसा है, उनके फेस का टाइप्स कैसा है। ठीक है, ओवल है अगर आपके क्लाइंट का फेस, तो आप कैसे आईब्रोज करेंगे, राउंड में, कैसे करेंगे, राउंड में, इनका शेप और इनका शेप मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर ओवल फेस के आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको राउंड शेप देना होता है उनको, अगर लॉन्ग फेस आया तो आपको कौन सा शेप देना है, स्ट्रेट में। ठीक है, देखिए ये शेप और ये शेप सेम है, तो लॉन्ग, अगर लॉन्ग फेस है तो आपको स्ट्रेट में देना है आईब्रोज, अगर राउंड शेप है, देखिए ये शेप कैसा है, राउंड में, सर्कल है, तो उनको कैसा आईब्रोज देना है, आर्च में, कैसा, आर्च में, देखिए ये शेप और ये शेप मैच हो रही है। देन उसके बाद कौन सा शेप आता है, स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब ऊपर से स्ट्रेट और नीचे से जो ज्वे लाइन है यहाँ से चीन एरिया की इधर स्क्वायर में आता है ये टाइप, ऐसे भी आपको फेस देखने को मिलेंगे। तो आपको ये फेस रीडिंग करना है, तभी अगर आपको ये फेस रीडिंग करने आ गया तो आप क्लाइंट को आईब्रोज आराम से कर सकते हैं। तो अभी स्क्वायर फेस आया तो आपको कैसे आईब्रोज करना है, यस शेप में, कौन सा शेप देना है, यस मतलब थोड़ा सा, देखो ऐसे आया स्ट्रेट में और कर्व दे रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे थोड़ा सा आया, ऐसा कर्व दे रहा, तो आपको स्क्वायर फेस पे ऐसा देना है। उसके बाद हार्ट शेप, हार्ट मतलब ऊपर से ऐसा हार्ट में बनाया हुआ, देखिए ये फेस ऐसा आया, देन यहाँ पे लाके ऐसा पॉइंटेड, ये कैसा ऐसा स्क्वायर में था, तो ये कैसे ऐसे पॉइंट में है, और यहाँ से ऐसे राउंड में है, तो ये हो गया हार्ट शेप। तो ऐसे शेप को आपको आईब्रोज कैसे देना है, डीप आर्च, कैसे देना है, डीप आर्च, ये आईब्रोज देखिए और ये आईब्रोज देखिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्लाइंट अगर आता है डायमंड शेप वाले का, तो उसको कैसे देना है, अपवर्ड में, अपवर्ड में, ऊपर किससे थोड़ा सा आर्च में और ऊपर की तरफ, डायमंड शेप वालों को कैसे देना है, अपवर्ड में, आईब्रोज का शेप ध्यान में अगर रख रही है, और आईब्रोज के कौन से शेप को कौन सा नाम बोलते हैं ये सब आप राइट डाउन कर लीजिए, तब आपको अगर फेस रीडिंग करने आ गए तो आपको आईब्रोज बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना फेस के चार्ट कि कौन से फेस पे आपको कैसे आईब्रोज करना है। अभी बात आती है थ्रेडिंग की कि आपको थ्रेड कैसे पकड़ना होता है। तो ये 40 नंबर का थ्रेड है जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक का सभी समझ में आया होगा कि मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे करना है, थ्रेडिंग को क्या कहते हैं, थ्रेडिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, और थ्रेडिंग में कौन कौन सी जगह पे हम थ्रेडिंग कर सकते हैं, ये सब भी मैंने बताया है, और फेस के टाइप्स भी, आईब्रोज के टाइप्स भी, कितने टाइप्स के आपके फेस होते हैं, ये सब भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है राइट। तो अभी मैं बताऊंगी आपको थ्रेडिंग कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, 40 नंबर का थ्रेड लेना है, एक हिस्सा उसका दांत के नीचे दबाना है ऐसे, उसके बाद फोर फिंगर लेना है आपको, देखो मैंने ये थ्रेड लिया, राइट साइड में आपको थ्रेड को पकड़ना है, देन लेफ्ट साइड से आपको फोर फिंगर लेना है, और देन इसके अंदर से, देखिए मैंने ऊपर की तरफ से, ये अपना थ्रेड है, उसके अंदर का भाग में आपको फोर फिंगर को डालना है, देन स्ट्रेट पकड़ना है, और ये पूरे फिंगर से आपको थंब के सहायता से अच्छे से होल्ड कर देना है, मतलब मुट्ठी बांध लेनी है, और फोर फिंगर में आपको चार राउंड अंदर की तरफ, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, चार राउंड,
फोर राउंड लिया आप लोग ने, देन उसके बाद क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट एंगल पकड़ना है, देन हाथों को ऐसे नीचे की तरफ, और इसमें आपको थंब को अंदर की तरफ डालना है और आपको ऐसा लूज करना है। इसके बाद ये जो हमने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ था अंगूठा लेना है, एक राउंड आप चाहिए तो एक राउंड मार लीजिए, एक राउंड लिया अंगूठा थंब को आपको इसके पास लेके आना है, जहाँ पे जो गार्ड बनाई हुई थी ना, ये गार्ड दिख रही है नॉट, इससे आपको हेयर फंसा के निकालना है। और इसको क्या बोलते हैं, सी सेक्शन, जो ऐसे दिया कैची की तरह, उसको बोलते हैं सी सेक्शन। इसमें आपको हेयर को फंसाना है, इधर ऐसे निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिया, देन देखिए ये मैंने ओपन किया सी सेक्शन को, देखो फिंगर्स को सब डाला और ऐसे बड़ा किया है, ठीक है। अभी जैसे मैं छोटा करती हूँ, ऐसे मुंडी को मैं पीछे की तरफ खींचती हूँ, जैसे ही मैंने ओपन किया ये देखो बड़ा हो रहा है, मुंडी मेरी कैसे हो रही है, आगे की तरफ आ रही है। जैसे इसको क्लोज कर रही हूँ, मुंडी कैसे कर रही हूँ, पीछे की तरफ ले रही हूँ, फिर से ओपन किया, फिर से क्लोज किया, मतलब नेक भी आपको हिलाना है लाइक दैट, देखिए। फिर आपको ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। फिर से एक बार बता रही हूँ मैं आपको, देखो फोर फिंगर लिया, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, चार राउंड, ठीक है, पांच राउंड। अभी ये थंब को एक राउंड मारा, नजदीक आए जो गॉट है उसके पास, देन फिर से चलाना स्टार्ट किया। जैसे मैं क्लोज कर रही हूँ, नेक मेरा आगे आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, जैसे क्लोज कर रही हूँ आगे आ रहा है, देखिए क्लोज किया आगे आया, ओपन किया पीछे गया, क्लियर। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी, आप लोग थ्रेड कैसे पकड़ना है वहां पे भी जाके सीख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया थ्रेडिंग कैसे पकड़ना है टॉपिक, और आपको कौन से फेस पे कैसे थ्रेडिंग करना है वो भी मैंने सब दिखा दिया आपको। अगर अभी भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और मैंने जो भी अभी तक एक्सप्लेन किया है वो सब आपको समझ गया रहेगा A to Z। जितना भी आप सबको एक्सप्लेन किया, आई होप आप सबको समझ गया होगा। तो जिन लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगी। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और जितना हो सके जिन लोगों को फ्री में क्लास ज्वाइन करना है या सीखना है और ऐसे वीडियो देखने के लिए, आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताइएगा जिनको क्लासेस के बारे में नहीं पता है, फ्री है, तो ये आप उनके साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचेगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और ऐसे ही आपका प्यार हमारे पे बनाए रखें ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे नए नए वीडियो बनाती रहूं। आप लोग का प्यार बहुत जरूरी है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग के लिए नए नए वीडियो बनाती रहती हूँ। तो प्लीज हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, आगे की वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगी। कि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी थ्रेडिंग कैसे करते हैं, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी आपको थ्रेड आईब्रोज पे कैसे आपको करना है, शेप देना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा थ्रेडिंग कैसे बनाना है, ठीक है। आई होप आप सबको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग भी रेडी हैं कि अभी कैसे करना है वो मैं दिखाऊंगी आप सबको लिए। आई होप आप सबको भी वो वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए और आपके दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी नेक्स्ट वाला हमारा क्लास ज्वाइन कर सके। आई होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, बाय बाय।